हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? तो अभी ये मैंने चना बनाया है, जैसे ठेले पर अंकल जी बेचते हैं ना पका वाला चना, वैसे ही बनाया है। तो सम्राट विराट को टिफ़िन में चाहिए था, कटोरी में देने जा रहे थे, तो सम्राट ने बोला मुझे टिफ़िन में चाहिए। तो विराट ने सम्राट दद्दा की देखा देखी, वो भी टिफ़िन लेके अपनी आ गए। तो दोनों लोगों को टिफ़िन में दे देंगे, इसी में खाएंगे कह रहे थे, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आटा पीस के आया है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद टंकी में भरेंगे। लेकिन उसके पहले टंकी साफ करके रख दे धूप में, तब तक वो सूख जाएगी। मम्मा, पंखा खराब हो गया। पंखा खराब नहीं हुआ है, पंखे का ये जो आइटम है ना, इसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, इसको चूहों ने काट दिया है। तो पूरा पंखा खोल के रखे हैं, ये फर्राटा वाला वो रखा है उधर, उसी को लेके गए हैं बनवाने के लिए। पूरा फिर से भरवाना पड़ेगा, पहले दिखा के आए हैं तो जैसे एक दो तार कटे रहते हैं तो जोड़ देते हैं, लेकिन अगर पूरा कटा रहता है तो पूरा फिर से भरवाना पड़ता है, सब सही करवाना पड़ेगा। रात में बहुत गर्मी रहती है, वैसे अब तो बाहर भी स्तर लगने लगा, लेकिन बाहर भी गर्मी लगती है। कमरे की तो बात ही छोड़ो, लाइट तो पता नहीं कितनी बार जाती, कुछ पता नहीं है। खोलो नहीं, बेकार हो जाएगा वो। और ये अभी सम्राट प्रसाद लेके आए हैं, मोहल्ले में शायद सत्यनारायण की कथा थी तो वहीं गए थे। तो ये पंजीरी ले आए हैं और इसके साथ बतासा था और केला थे। तो एक केला मम्मी ले लिए हैं प्रसाद के तौर पर, क्योंकि थोड़ा भी अगर प्रसाद घर में आता है तो कहते हैं कि मिल बांट कर सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा से लेना चाहिए घर में। तो एक केला मम्मी ने ले लिया था, एक विराटू ने केला लिया है और पंजीरी भी आधी आधी शेयर हो रही है दोनों लोगों में, और थोड़ा सा प्रसाद मैंने भी ग्रहण कर लिया है। और इनके लिए थोड़ा सा प्रसाद बचा के मैंने फ्रिज में रख दिया है, पंजीरी केवल। तो प्रसाद को मतलब बहुत महत्व दिया जाता है हम सबके यहाँ। अगर कहीं पर कथा हो रही है, भागवत हो रहा है या रामायण हो रही है, तो कहते हैं कि अगर आप वहाँ शामिल हो रहे हो तो आरती के बाद प्रसाद लेके ही घर जाना चाहिए। और अभी सुबह में जो मैंने कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े सूख चुके हैं, इनको फोल्ड करके अलमारी पे लगा देंगे। और उस दिन मैंने जो बड़ी राशन वाली टंकी साफ़ की थी, तो मैंने बताया था नीचे थोड़ा सा गेहूँ ख़राब हो गया था, तो जो ख़राब ख़राब गेहूँ था वो मैंने बाहर कर दिया था, और ऊपर वाला जो अच्छा था उसको सब बाहर कर दिए। तो नीचे वाला गेहूँ रखा साफ़ करने के लिए, और टंकी भी अभी सूख रही है उसको भी साफ़ करना है नीचे नीचे। तो ये देखो, जब से टंकी बाहर रखी ना, ऊपर का जो ढक्कन ये निकाल के इसको बजाया करते हैं, कहते हैं मम्मी हम तबला बजा रहे हैं, आप सभी लोग नाचो। तो पहले मैं गेहूं साफ़ करने जा रही थी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि पहले टंकी धुल के रख दें, क्योंकि जब तक मैं गेहूं साफ़ करूंगी तब तक ये सूख जाएगी, उसके बाद फिर आटा भरेंगे और हमारा आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी तो बहुत गर्म है, अभी मैंने खोल के चेक किया ना, तो अंदर हाथ डालने पर ना एकदम गर्म गर्म सा लग रहा है। तो बोरी को मैंने खोल के तब तक रख दिया ताकि थोड़ा सा उसमें हवा पानी लगे बाहर से, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने निरमा डाल के टंकी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। हर बार टंकी नहीं साफ़ करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि गंदी हो गई है तभी साफ़ करते हैं, और या फिर पूजा उजा होनी रहती है घर में नेक्स्ट टाइम, तो मतलब ये रहता है ना कि आटा साफ़ रहे। वैसे पूजा के लिए मैं अलग से डिब्बे में निकाल के हमेशा थोड़ा सा आटा रख देती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही रोटी बेलती सेकती हूँ ना, तो इस तरह से कहते हैं कि आटा जूठा हो जाता है, किसी पूजा पाठ के लायक नहीं रह जाता है। ऐसा मैं अपने ससुराल में नहीं, मायके से सीख के आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे जो बाबा दादी थे वो लोग राम राम सुने थे। कहा जाता है कि अगर राम नाम का मंत्र आपने लिया है गुरु के द्वारा, तो आपकी रसोई हमेशा पवित्र होनी चाहिए, नहा धो के खाना पकना चाहिए, और किसी भी तरह से आप मतलब उसको चप्पल उप्पल पहन के खाना नहीं बना सकते हो। तो इस तरह से आप लोग हमेशा देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, मैं बिना नहाए कभी भी खाना नहीं बनाती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ किसी ने राम नाम का मंत्र नहीं लिया है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। कहते हैं घर में रसोई हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। चमार की जात से का चीम निकालो जो अच्छा का चाहिए, दूध की मलाई कितने किलो चाहिए? 3 किलो। भैया तुम बोल नहीं पाओ, उसका जीव निकाल रहे हो। अच्छा भैया भैया, तुम्हारी टंकी बहुत भारी है, इसमें क्या क्या रखते हो? नीचे मलाई रहती है, ऊपर दूध रहता है। बोलो, आप बोलो। तुम्हारा सारा काम उल्टा होता है क्या? दूध नीचे होता है, मलाई ऊपर होती है, मलाई नीचे होती है? नहीं, नीचे नीचे वो लगा है ना, डिब्बा लगा है ना, उसके नीचे मलाई है और ऊपर ऊपर दूध है सारा, उसी के अंदर पैक रहता है सारा। अच्छा। मलाई चाहिए जैसा हमारा, फिर से दूसरे तरीके। और भैया तुम मलाई का करियो, भैया मलाई का कहियो, भैया खोआ हुआ नहीं होगा। ये
ये आपका मुंह कैसा टेढ़ा टेढ़ा हो गया क्या? पता नहीं, एक दिन गिर पड़े रहे तो वही इनके गाल पे लग गया रहा, तभी इनका मुंह तिरछा हो गया रहा। अच्छा भैया, हम नहीं जाना था इन भैया। लो भैया, वही का तीन से जाओ। तो ये जो परात में आप गेहूं देख रहे हैं, यही इतना गेहूं नीचे चिपका था और ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद ये पिसवाने लायक भी नहीं बचा, आटा पिसवाने लायक। तो इसको भी साफ़ करके गौ माता के लिए रख देंगे, उनके लिए मम्मी अलग से पिसवा लेंगी चलाने के लिए भूसा वगैरह में। तो इसमें जो घुन पड़े थे ना, कीड़े, वो सब मर गए हैं क्योंकि मैंने 2 दिन धूप में इसे पड़ा रहने दिया गेहूँ को। तो ये पूरा जब मर गए ना तो फटक दो तो बहुत आराम से ये उड़ के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे तो निकलते नहीं हैं, सब जिंदा रहते हैं ना तो बार बार चढ़ते रहते हैं फिर से। तो ये अभी आस्था आई थी सम्राट को ढूंढने के लिए, ये पूरे घर में ढूंढ आई है, इसको सम्राट नहीं मिल रहे हैं तो बोल नहीं पाती है, हमसे पूछ रही थी सारे से कि दद्दा कहाँ है। तो इनको मैंने बताया कि पीछे हैं, जाओ बुला लो जाकर। और अभी आप लोगों को अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही हो, शोर आ रहा हो, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अचानक से ये पता नहीं कौन सी मशीन चालू हो गई है। मैं बहुत देर तक इंतज़ार कर रही थी कि ये बंद हो जाए तो वॉइस ओवर करें, लेकिन ये अभी आधा वॉइस ओवर मैंने कर लिया था कंप्लीट, 20 से ये चालू हुआ है। अभी बाहर जाके मैंने देखा नहीं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा चना फैला था, ये चना मैंने रात में भिगो दिया था 7-8 बजे के करीब, तो पूरी रात ये भीग रहा था। उसके बाद इसको पूरा सुखा लिया, फैला दिया था सुबह से। तो इसकी दाल बनाएंगे मम्मी, घर में ही हम लोग चने की दाल बना लेते हैं, शुद्ध बिल्कुल प्योर बनती है, बाहर तो मशीनों से बन के आती है तो उतनी शुद्धता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर जितने गमले इधर उधर सब फैले थे एक एक करके, उनको सबको मैंने एक जगह कर दिया, देख रहे होंगे। अभी मैं आपको बाद में लुक दिखाती हूँ कि कैसा आ रहा है, आप लोग बताइएगा। एक एक गमले सब जगह फैले थे तो पानी डालने में दिक्कत होती थी, और अब गर्मी आ रही है ना तो फिर लगता है कि 2-3 बार पानी पौधों में डाल दो। तो एक जगह रहेंगे ना तो मैं बच्चों से भी डलवा दूँगी, सम्राट से बोल दो तो डाल देते हैं आकर। लेकिन जब ये 4 जगह फैले रहते ना तो क्या करता है, आधे में तो डालता है, आधे में ऐसे ही भाग जाता नीचे और फिर बोलता है मम्मी सब में मैंने डाल दिया। वैसे मैंने ज़रूरत के हिसाब से इन सारे पौधों को एक जगह पर किया था, लेकिन सच बताऊँ ना मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर के सारे फैमिली मेम्बर एक जगह पर इकट्ठे हो गए हों। इसी तरह से ये सारे पौधे एक जगह पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत भरा भरा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सारे पौधों में पानी डाल देते हैं। और इसी टाइम में दीदी का फ़ोन आ गया था, मेरी ननंद का, तो उनसे बात होने लगी थी तो फिर वीडियो कट हो गई। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है तो सम्राट अपनी बुक ले आए थे और विराटू भी लिए हैं। तो विराट मम्मी को किताब अपनी दे के इनके साथ पढ़ रहे हैं और मम्मी को पढ़ा भी रहे हैं। कह रहे थे दादी आपको बहुत कुछ आने लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, आपको सीखना एक एक करके हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो सच बात है, मम्मी खुद कहती हैं कि मुझे बहुत कुछ आने लगा है इनके सबके साथ में रह के। तो यही होता है बच्चे घर में रहते हैं ना तो आपका भी रिविज़न हो जाता है। और मम्मी का क्या कहें, मैं खुद अपने आप को बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी, लेकिन सब मुझे धीरे धीरे याद आता जा रहा है इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं खुद बच्चों से सीखती हूँ, ये सही बात है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से सीखते हैं। तो आज शाम को थोड़ा सा हल्का ही खाना बनाने का मन कर रहा था, क्योंकि डेली लगता है ना कि क्या बनाओ, एक तो गर्मी आ गई है ना तो सब्जी खाने का मन करता है ना दाल खाने का मन करता है, बस शाम होते ही एक एक करके बारी बारी सबसे पूछो कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज इनका निमंत्रण था इस वजह से तहरी बना रहे हैं, नहीं तो तहरी नहीं बनाते, इनको नहीं पसंद। तो फिर ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि ये 2 बार सिर्फ खाना खाते हैं तो फिर लगता है ना कि जो इनको पसंद है वही बनाएं। तो तहरी हल्की फुल्की से बना रहे हैं, और अभी मटर का सीजन जा रहा है तो जितना हो सके ये फ्रेश मटर खा लूँ, नहीं तो फिर वही नकली वाली मटर खाने के लिए मिलेगी फ्रोजन वाली। तो यहाँ बाद में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया था तहरी में, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तहरी वहरी बना के हम लोग खा पी लिए थे, और फटाफट से आज थोड़ा सा काम कम था, मतलब खाना ज़्यादा नहीं बना तो बर्तन बहुत कम निकले थे, तो सब कुछ हो चुका है खाना पीना। और यहाँ पर अभी मैं बर्तन धुल रही थी तो दोनों बिस्तर लगाने में लगे थे। और आपके विराट बाबू को देखो, बिस्तर लगाए हैं और जाके सबसे पहले हाथ पैर मुंह अच्छे से धुलें, कह रहे थे मम्मी हाथ पैर धुलने के बाद में बहुत ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो दोनों लोग हाथ पैर धुल के आ रहे हैं बिस्तर में, और उसके बाद फिर चिल्लाते हैं मेरे लिए कि आप, मेरा इंतजार करते करते देखो दोनों बच्चे सो गए हैं। विराटू मेरे बगैर नहीं सोते, बहुत देर से बुला रहे थे कि मम्मी कितना टाइम लगेगा आपको,
लेकिन सम्राट इनको कहानी सुना रहे थे, तो पहले ये सोए उसके बाद वो भी सो गए। तो चलिए मच्छरदानी लगा दे क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आप सबसे विदा ले रहे हैं, वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।